वेलकम टू एजीएन स्टेनो क्लासेज। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आशा करता हूँ कि जो सभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो सभी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। अभी हम 1 अक्टूबर से एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं जिसके अंदर हाईकोर्ट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे स्पेशल, उनके लिए विशेष फाइलें तैयार की जा रही है जिसमें रामधारी बुक प्रथम, रामधारी बुक द्वितीय, लीगल एक्सरसाइज, राजस्थान पत्रिका निबंध, इसके साथ साथ शब्द चिन्हें आउटलाइन और एफिशिएंसी उस ग्रुप में एक टाइम के हिसाब से दी जाएगी जिसमें आप 100% अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो उसके अंदर ग्रुप में वही जुड़ सकते हैं जो अभी 6 नंबर फाइल पर है, मतलब जिनकी बुक कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उसका अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम करेंगे आगे वाले, अब मैंने बात किया था कि पिछली क्लास में भी कि अब हम शब्द चिन्ह जो है उनको ज़्यादा याद करेंगे, क्योंकि जो शब्द चिन्ह बार बार लिखे जाते हैं उनको हम एक कोड के रूप में बनाएंगे और बार बार उसकी आउटलाइन बनाने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए हम उसको याद करेंगे। जैसे अब हमारा पहला सिंबल जो है वो है मा, मे। पहले हमने मे किया था वो इन वाला था और ये जो मे है वो कौन सा है, आई, मतलब मैं जाता हूँ। तो जैसे हम ट बनाएंगे उसको थोड़ा सा ऐसे हाफ बनाना है, लेकिन ये याद रखना ये हमेशा डार्क होगा और जो ऊपर पर था वो लाइट था। ऊपर लिखेंगे तो मैं पढ़ेंगे, इसी को अगर नीचे लिखेंगे ऑन द लाइन टच कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, उस, समझिए। जैसे ये जो है ने, ये थोड़ा सा लाइट है, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाना है तिरछा करके छोटा सा। जैसे इसको ऑन द लाइन लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, से, ठीक है। इसको ने पढ़ेंगे, इसको से पढ़ेंगे, ये डार्क है, ये भी डार्क है, ये लाइट है और ये लाइट है। अब है कौन, कौन जो है वो इस तरह से बनेगा, इसकी शेप आप एकदम कौन वाली बनाओगे। आपके पास वो बुक है गया प्रसाद अग्रवाल, उसमें 15वां अध्याय दिया हुआ है, अध्याय 15वां, तो उसमें ये सिंबल दिए हुए हैं, लेकिन उसमें केवल कौन लिखा है, लेकिन हम इसके यहाँ पर कौन के साथ साथ इसको दृष्टिकोण भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसको कौन के साथ साथ क्या पढ़ेंगे, दृष्टिकोण भी पढ़ेंगे। तो इसको बार बार आपको पता है कितनी बार लिखना है कितनी बार नहीं लिखना है। जैसे ही कौन को नीचे लिखेंगे ऑन द लाइन, यहाँ पर देखो ये कुछ दियो, कौन ऊपर आएगा और कुछ जो है वो ऐसे नीचे आएगा। तो इसको हम एकदम ऐसे कॉर्नर वाली शेप बनाएंगे, गोल नहीं करना है, बिल्कुल चौरस होना चाहिए, छोटा बनना चाहिए। इसी तरह पूरब, पूरब दिशा किधर होती है, इधर होता है या इधर, आपको उस हिसाब से हम कर सकते हैं। पूरब की दिशा इधर होती है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा सा बनाएंगे, वो भी ऊपर, लाइन से टच नहीं करना, ऊपर लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे हम पूरब। और जैसे ही हम इसको ऐसे बनाएंगे ये क्या बढ़ा जाएगा, पश्चिम। तो अच्छी तरह से सिंबल को लिख के याद करना है। उसके बाद है ये क्या है, मैं और ने, मैंने। तो हमने मे का सिंबल तो कर ही लिया, तो सबसे पहले मे बनाएंगे, बन गया मे, तो यहाँ पर मे में लिख दिया। तो ये जो है ने, तो ने का सिंबल हमने कैसे किया था, ऐसे किया था, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, मे और ने। ऐसे इसको बार बार लिखना है, मे और ने, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसका अभ्यास करना है। जैसे उसने, तो सबसे पहले आपको पता है कि उस कैसे लिखा जाता है, ऑन द लाइन, पर ये भी डार्क बनेगा, ठीक है। तो इसको भी हम डार्क करेंगे, तो डार्क में फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस बनाएंगे, उस बना दिया मैंने यहाँ, उसके साथ हम यानी कि साथ नेक लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उस और ने, उसने। तो आप इसको बार बार लिखोगे, उस और ने, उस और ने, उस और ने, उस
और नी, उस और नी, ठीक है। तो आगे वाला जो सिंबल है ये क्या है, मुझे, तो मैं से स्टार्ट हुआ है तो इसको ऐसे बनाएंगे और ऊपर इसको ऐसे कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, मुझे। अब इसको लिखोगे तो आप इसे ऐसे लिखा जाना चाहिए, मुझे मुझे मुझे। इसी तरह ऑन द लाइन लिखेंगे, उसे 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 उसे। मैं से स्टार्ट होने वाले और उससे स्टार्ट होने वाले सभी के सभी क्या है, डार्क बनेंगे। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब ये क्या है, मुझको, मुझको आएगा तो क्या करेंगे, पहले मुझको में मैं बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम इसके साथ क जोड़ देंगे क्योंकि हमने क्या सिंबल बनाया था, एक का और को का, तो मे के साथ यहाँ मैंने का और को जोड़ दिया। तो आपको पता है कि ऐसा मेका मेको ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, और हम यहाँ पर इसको मुझको ही पढ़ेंगे क्योंकि मुझको एक सर्वनाम है, इसलिए ये बार बार आता रहता है, इसलिए हमें जो बार बार आने वाले सिंबल है वो चाहिए। तो ये क्या है, उस, आपको पता है उस ऑन द लाइन ही आता है, और इसके सामने हमने का और को जोड़ दिया जो हमने सिंबल पहले किया था, तो ये क्या हो जाएगा, उसको, ये क्या हो जाएगा, मुझको। तो इसी तरह ये देखो मैं, अब मैं के साथ रे लगा हुआ है तो आप इधर ये वाला डंडा जो है वो इसको इधर ले जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, मी रे मी रे मी रे मी रे, इसकी तरह ये पढ़ा जाएगा, उस की उस की उस की उस के उस के उस के, क्योंकि इसमें हम दोनों सिंबल पढ़ेंगे, क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग में किया था तो आपको पता है कि हमने एक सिंबल बनाया था इस तरह का। यहाँ मैं बता देता हूँ कि ये सिंबल जो है वो की और की का होता है, इसको ऑन द लाइन रखेंगे तो के हो, तो यहाँ पर जब इसके साथ जुड़ गया तो ये की और के दोनों पढ़े जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अमरूद, अमरूद में सबसे पहले आपको मैं बनाना है। अब रह के बाद कुछ आ रहा है ना, तो आपको पता है कि रह के कुछ बात कुछ भी आए तो रह कौन सा जाएगा, ऊपर से नीचे, और इसके बाद द, और बीच में पेंसिल नहीं उठेगी। आम और रह के साथ ऊ की मात्रा है वो यहाँ द के आगे आ जाएगी, अगर द के बाद कोई मात्रा होती तो वो पीछे चली जाएगी। तो इसी तरह घोड़े, तो घोड़े में सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम ग बनाएंगे, ये हमारा ग बन गया, फिर हम इसके बाद र बनाएंगे, तो ये र ऊपर चला जाता है, क्योंकि ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि अड़ के बाद कोई साउंड आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, घो, और ये हो जाएगा अड़े, क्योंकि आपको पता है कि र का रूल ही इसी के अंदर लगेगा कि अगर लास्ट के अंदर स्वर, मतलब किसी के र के बाद या अड़ के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो वो नीचे से ऊपर जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो वो नीचे चला जाएगा। इसके बाद आता है स, स बार, ये स बना दिया और ये बन गया ब के साथ र, क्योंकि हमने ये रील किया था कि अगर व है व ह र और यह के बाद अगर र आ जाता है तो वो साथ जुड़ जाता है, समझिए। तो ये सिंबल आपको अच्छी तरह से याद करने हैं, उसके बाद फिर आपकी शायद एक्सरसाइज आती है, उसको आपको लिखना है, आप कितनी बार लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है, इसलिए आप ध्यान से लिखना, ठीक है। ऑनलाइन छात्र, अगर किसी को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, जैसे बाकी स्टूडेंट भी है, जैसे कई स्टूडेंट जो जयपुर से जुड़े हुए हैं, अजमेर से जुड़े हुए हैं, नागौर से जुड़े हुए हैं, या फिर हनुमानगढ़ से हैं या बादरा से जुड़े हुए हैं, तो वो अच्छी तरह से पूछते हैं, तो आप भी इसके साथ पूछ सकते हैं। तो ये क्या है, मैंने, सबसे पहले हम यहाँ देखो ऐसे लिखना है इसको, मैं और ने, मैंने उसको चार, पहले चाय बनाएंगे फिर रह बनाएंगे, आके मतलब ये चार, अमरूद हमने भी अभी ऊपर बनाई थी आउटलाइन इसकी, अमरूद, बाजार बा जा र बाजार, से नीचे ऑन द लाइन आता है, मॉल, ले कर और भेजा, तो भय ऐसे बनता है, आपको पता है कि छह इसके साथ ऐसे बन जाएगी, क्या जाए, भी और जा, समझिए। तो फिर इसके बाद आता है वह, वह का सिंबल अभी हमने नहीं किया, तो एक बार हम थोड़ा सा इधर ध्यान दे दें, एक छोटी सी आउटलाइन बना लेते हैं इधर, देखो ये सीधी लाइन है ना, जैसे ऊपर बॉक्स बने हैं वैसे ही इसको बनाना है, जैसे देखो मैं बना के आपको दिखा देता हूँ, रेन आ जाए इसलिए साथ में ही कर लेते हैं। अब देखो ये छोटा सा सी बनेगा, आपके बुक में भी दिया हुआ है ऐसे छोटा सा सी, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे वहाँ, तो इसको
और इसको ऑन द लाइन लिख देंगे तो ये बन जाएगा बी। इसको कैसे लिखेंगे, वह 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 ऑन द लाइन बी 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 बी। इसी को अपोजिट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा इस, इसको नीचे लिखेंगे ये हो जाएगा इन। तो ये भी इनके साथ आप अच्छी तरह से याद कर लें। याद रखना ऊपर लिखने पर क्या करते हैं, वह 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 ऑन द लाइन लिखने पर इस वे वे वे। और एक इसके अंदर सिंबल जो आपके अंदर बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन आप इसको ध्यान से ऐसे देखोगे तो ये वह जो है इसको लाइन से काट देंगे तो ये बन जाएगा बिशप। जैसे ये बिशप है, बिशप के नीचे आप वह और लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, बिशप विद्यालय। समझिए, तो ये क्या है वह, ये क्या है नीचे लिखेंगे वे, इसको उल्टा लिखेंगे इस और नीचे लिखेंगे इन। इन यहाँ इन नहीं आएगा, ओनली इन आएगा। और ये क्या पढ़ा जाएगा, विश्व, विश्व के नीचे बी लगा देंगे, विश्वविद्यालय। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। बाकी इसकी पीडीएफ जो है मैं आपके सेंड करूँगा, उसमें आप और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये जैसे हैं वहाँ पर ऐसे लिखेंगे आप, तो वह कौन, ये क्या था ना आदमी है जो ऑन द लाइन मेरे मेरे इधर आता है घोड़े घोड़े पर का सिंबल किया था हमने, सवार स और वार, होकर हो का सिंबल ऑन द लाइन आता है तो इसके साथ क और र नीचे चला जाएगा, हो कर हमने हमने जाता है। ठीक है, तो बाकी जो लाइनें हैं बुकों में उसको भी आप अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा पूरे मैटर को। आगे की जो क्लास है वो हम कब करेंगे, किसी को अगर कोई डाउट लगे तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो ये जितना भी सिंबल है ये सभी आपको याद करने हैं, और याद करने का एक ही ट्रिक है, लिखकर जितना ज़्यादा याद करोगे जल्दी याद हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, गुड नाइट।